आपकी ऊर्जा इस वक्त ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अलाइन हो चुकी है। आप डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं और आपके साथ जो ये हो रहा है ये बहुत खास कारण से हो रहा है। एक ऐसा संकेत, एक ऐसा बहुत बड़ा संकेत जो आपको ये बताता है कि आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा यूनाइट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं और इस वक्त जो आपकी वाइब्रेशन है वो नेचुरल वाइब्रेशन के साथ ताल में आ रही है, एक लय में आ रही है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। एक टाइम टेबल वो होता है जिसे हम फॉलो करते हैं और एक टाइम टेबल वो होता है जिसे प्रकृति फॉलो करती है। जब हमारा टाइम टेबल प्रकृति के टाइम टेबल के साथ जुड़ने लग जाता है तो हम उसकी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं। ये संकेत क्या है? ये संकेत है अगर आपकी आँख ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच अपने आप खुल रही है, ऐसा कुछ दिनों से लगातार आपके साथ हो रहा है, आप अपना सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप ना तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो आपने अलार्म लगाया है, ना आप सोच रहे हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, लेकिन अचानक से सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको उठा दिया, कोई आपको फोर्स कर रहा है उठने के लिए। आप बार बार उसी टाइम पर उठ रहे हैं और जब आप टाइम चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बाहर अंधेरा हो रखा है। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? इसके दो मुख्य कारण हैं। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं, आप किसी भी तरीके से अपनी इच्छाओं पर कार्य कर रहे हैं तो इस वक्त इसका ये अर्थ है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो डिवाइन के साथ अलाइन हो चुकी है। इस वक्त आप जो चीज़ें सोच रहे होंगे वो बहुत जल्दी पूरी हो रही होंगी। आप छोटी छोटी चीज़ों को सोचते होंगे, आपने उसके लिए कोई टेक्निक नहीं की लेकिन वो अचानक से पूरी हो जाती है और आप सोचते हैं कैसे हो रहा है, मैं तो बस इसे दिल से सोच रहा हूँ और वो चीज़ हो जा रही है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बहुत लंबे समय से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई साधना करते हैं और उस वक्त आपके साथ ऐसा हो रहा है, कई बार ये चीज़ होती है कि कुछ मंथ तक आपके साथ ये लगातार होती है फिर बंद हो जाती है। तो अगर लगातार आपको सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच उठाया जा रहा है तो इसका ये अर्थ है कि समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स से कोई अव्यक्त दिव्य पुरुष आपसे संपर्क करना चाहता है, कोई ऐसी शक्ति जो आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करना चाहती है और वो इस मोमेंट पे आपसे संपर्क कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उस टाइम चाहे आपको जितनी भी नींद आए, आप उठकर बैठें, 5 मिनट 10 मिनट खुद को रिसीवर बनाएं, खुद को बस रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए खुला छोड़ दें और ध्यान से उस परमात्मा का ध्यान करें। जो भी शक्ति, जो भी दिव्य पुरुष आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपको मार्ग दिखाना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी से आपको वो बात बता देंगे जिसकी आप खोज कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर साझा करें।